जी नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका स्वागत। 11 अक्टूबर 2018 बृहस्पतिवार का दिन है और आज बृहस्पति वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं शाम 7:20 पर। बृहस्पति का ये गोचर विभिन्न राशियों पर आने वाले एक साल तक अपना असर रखेगा। आइए जानते हैं आने वाले एक साल का राशिफल। मेष राशि वालों के लिए धन की स्थिति बेहतर हो रही है, घर परिवार की खुशियाँ बढ़ेंगी और बहुत सारी चीज़ों को लेकर सतर्क भी रहना होगा। आने वाला एक वर्ष कई रूप से मददगार होने के बावजूद आपका इम्तिहान लेता रहेगा, खर्चे बढ़े रहेंगे जिन्हें संभालना भी होगा। वृषभ राशि वालों के लिए अपनों के लिए बहुत कुछ करने का समय आ गया है। वैसे भी जिंदगी में सच्ची खुशी अपनों से जुड़कर ही मिलती है। रिश्तों के प्रति ध्यान देने से जिंदगी का सुख भी बना रहेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा समय शुरू हो रहा है और इसलिए आपको अपने पैसे की स्थिति से फायदा उठाने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए। मिथुन राशि वालों के लिए रिश्तों से जुड़ी और कामकाज से जुड़ी चुनौतियां बनी रहेंगी। अपनी सूझबूझ बनाए रखते हुए ही अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे। कामकाज को लेकर मन में जुनून पैदा करना होगा और प्रतियोगिता की भावना रखनी होगी ताकि आप औरों से दो कदम आगे रह सकें। आपकी बचत को बढ़ाने के लिए ये समय आपकी हर तरह से मदद करेगा। कर्क राशि वालों के लिए रिश्तों की अच्छाई बनाए रखने के लिए हालात सुखद हो रहे हैं, फिर भी अपने अंदर बैठी हुई किसी भी तरह के अहम को हटा देने की जरूरत है। तकदीर इस रूप से आपका साथ देगी कि आपकी उदारता बढ़े और ऐसा करने से ही आपके मन की घबराहट को दूर करने में भी मदद मिलेगी। सिंह राशि वालों के लिए घर परिवार की खुशियां बनाने का समय आ गया है। रिश्तों के प्रति आपका झुकाव बना रहेगा पर रुकावटों की वजह से आपकी परेशानियां भी बनी रहेंगी। हर चीज़ अपनी रफ्तार से सही रूप से चलती चली जाएगी पर अपने मन में बिठाई हुई परेशानियों को फिर भी हटाना ही पड़ेगा। कन्या राशि वालों के लिए घर परिवार की खुशियों को बनाए रखने का समय। आपकी थोड़ी सी कोशिश आपकी ज़िंदगी के मायने बदल सकती है। आपके मन में बनता हुआ सुकून इस बात का इशारा कर रहा है कि बहुत कुछ ठीक ठाक है और आपके हित में ही बना हुआ है। तुला राशि वालों के लिए ये समय पैसे की स्थिति को मजबूत करता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें पैसे के लेन देन को आप भली भांति संभाल पाएंगे। आपकी बचत बढ़े और आपकी जीवन की समृद्धि आपको खुशियाँ देती चली जाए उसके लिए आपके प्रयास कारगर होंगे। विचारों के मतभेद से बचना होगा और अपनी बात बहुत सहजता से कहनी होगी। कामकाज को और कामकाज से जुड़ी चुनौतियों को नई नज़र से देखने का समय आ गया। वृश्चिक राशि वालों के लिए आपकी अपनी मेहनत और काबिलियत से उभरती हुई नई संभावनाएं आपकी ज़िंदगी के नए द्वार और आयाम खोल सकती हैं। आपका भरोसा भी जगेगा और अपनी बचत को सुदृढ़ करने के साधन भी बनेंगे। पढ़ लिख कर अपना भविष्य बना लें और एकाग्रचित होकर मेहनत करते चले जाएं, सब कुछ ठीक होगा। धनु राशि वालों को अपने ज़िंदगी के फैसलों को बहुत सूझबूझ से करना होगा। घर परिवार की खुशियों को हर सूरत में बनाए रखना होगा। अपने बढ़ते हुए अहम पर काबू पा लेंगे तो बहुत कुछ आपके हित में संभला भी रहेगा। सेहत ठीक है पर सेहत को लेकर लापरवाही करना ठीक नहीं है। मकर राशि वालों के लिए अपनी मेहनत और लगन से आर्थिक समृद्धि पाने का समय है। उस लगन में आपकी पढ़ाई और आपके ज्ञान की बेहतर होती हुई संभावनाएं भी शामिल। घर परिवार में अपनों का ख्याल रखने से लोगों की नज़र में आपका कद और ऊंचा हो जाएगा और अपने बढ़ते हुए खर्चों को संभालने में मदद भी जरूर मिलेगी। कुंभ राशि वालों के लिए काम या कारोबार के लिए अच्छे समय की शुरुआत हो रही है। कई तरह के अच्छे विकल्प भी उभर कर सामने आएंगे जिसके लिए फिलहाल थोड़ा सा रुकना होगा। अच्छी संभावनाएं खुलती चली जाएंगी। घर परिवार की खुशियां बनी रहेंगी और अपनों की जरूरतों को भी आप पूरा कर पाएंगे। अपनी बात को विनम्रता से कहेंगे तो किसी भी तरह के मतभेद से आप बचे रहेंगे। मीन राशि वालों के लिए समय कुछ ऐसा बन रहा है जो आपके भरोसे को जगाए और आपकी सोई हुई तकदीर को भी जगा दे। पढ़ाई के प्रति जो अविश्वास रहा है उसे सुधारने में मदद मिलेगी। रिश्तों की अच्छाई बनाने का भी मौका मिलेगा। पर सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी मेहनत से आप अपनी तकदीर बना पाएंगे क्योंकि वही चीज़ आपका दूर तक साथ निभाएगी। ये था जी आप सबके लिए आने वाले एक साल का राशिफल। नमस्कार।